अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू बलूचिस्तान एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 9 है। जैसे कि बुक आपको नज़र आ रहा है तो 8th क्लास का मैथमेटिक्स बुक हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा का है। और इस बुक में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम रीड करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। उमेर परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 36,000 रुपीज़। ई पेड 80% एज डाउन पेमेंट, 7.5% फाइनेंस चार्ज एंड द बैलेंस इन 12 इक्वल मंथ्स। नंबर वन, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। नंबर टू, व्हाट वाज द अमाउंट ओड। नंबर थ्री, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच मंथली पेमेंट। वो कह रहे हैं कि उमेर ने एक मोटरसाइकिल लिया 36,000 का और उसने 18% डाउन पेमेंट किया, यानी उसी वक्त उसने 18% 36 का जो 18% बनता था उसी वक्त वो पैसे उसने अदा कर लिए। फिर कहते हैं कि वो 12 इक्वल मंथ्स में 7.5 जो लीजिंग चार्जेस है वो लीजिंग सर्विस चार्जेस है उसके साथ 12 महीने में उसने बाकी जो बैलेंस था वो पे करना है। अब पहले हमें ये बताना है कि डाउन पेमेंट का अमाउंट जो 18% बता रहे हैं वो कितना बनेगा। दूसरा ये बताना है कि बाकी उस पे कितना कर्ज रहता है। और तीसरा ये बताना है कि ईच मंथ उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बुक को साइड पे ओपन रख के ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमें लिखना है प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल, क्योंकि सारा कुछ उसी से ही रिलेटेड है, तो वो लिख लेते हैं। इज इक्वल टू रुपीज 36,000। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या पता करना है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 18% ऑफ 36,000। तो इसका निकालते हैं और प्रोसेस क्या होगा, 36,000 जब भी परसेंट निकालना होगा मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेशंस कर लेते हैं। लॉन्ग कैलकुलेशन होगा, मैं कैलकुलेटर में करूँगी, आपने ताकि वीडियो स्मॉल हो आपने मैनुअली करना है। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। मैं इसलिए कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में ज़्यादा लंबा जाएगा। नंबर्स बहुत इजी है, जल्दी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया पॉइंट वन कंप्लीट। अब पॉइंट टू में वो बोल पूछ रहा है व्हाट वाज द अमाउंट ओड, जो पैसे यानी बाकी उस पर रहते हैं। तो हमें क्या करना है, क्योंकि उसने ये डाउन पेमेंट दे दिया है तो बाकी के पैसे अब जो है वो कर्ज में शुमार होंगे। तो हम क्या करेंगे, RS 36,000 से माइनस करेंगे 6,480 को। इसको मैं मैन्युअली कर लेती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब इस 6 से हम 1 देंगे इस नंबर को, ठीक है,
हमारे पास ये 10 हो जाएगा, इससे 1 देंगे इसको, ये 10, 10 में से 8 गया 2, और ये 9 तो 4 गया, 5 रह गया। अब ये 5 बन गया था क्योंकि इससे हमने नंबर दे दिया था आगे, तो 3 में से 1 नंबर इसको देंगे 6, 6 में से सॉरी एक नंबर इसको देंगे, ये हो जाएगा 15, इसमें से 6 गया तो 9 बचेगा, और हमारे पास यहाँ पे 2 रह गया था क्योंकि हमने एक नंबर दे दिया था, तो ये हो गया आंसर 29520.2 का आंसर। अब पॉइंट 3 आता है। पॉइंट 3 में हमसे पूछा गया व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच मंथली पेमेंट। तो इसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि लीजिंग सर्विस चार्जेस कितने होंगे पर मंथ। अगर 7.5 है तो करते हैं इस क्वेश्चन को। लीजिंग सर्विस चार्जेस फॉर 12 मंथ्स द ठीक है। अब लीज लाजमन सी बात है जो हमारे ऊपर अमाउंट ओढ़ता जो यानी हम पे बाकी कर्ज रहता है उसी पे होगा जो हमने पे किया, उस पर तो लीजिंग सर्विस चार्जेस नहीं होंगे। तो 7.5% ऑफ 29,520 का इसको करते हैं। इसका 7.5% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, डिवाइडेड करेंगे 100 से। इसको आप मैन्युअली कर ले, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ ताकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। 29,520 मंथ 29,520 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7.5 से। अब तक मैंने काफ़ी सारा मल्टीप्लाई का प्रोसेस किया है पॉइंट वाला, तो आपको पता है जब भी आपने क्या करना है पॉइंट लास्ट 1 डिजिट से पहले लगाना है क्योंकि यहाँ पे भी 1 डिजिट किस तरफ है, और इसको फिर डिवाइड करना है 100 पे जो आंसर आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 2214। ओके, ये हमारे पास क्या होंगे टोटल 12 मंथ में जो लीजिंग सर्विस चार्जेस है वो इतना होगा। तो इसको हम प्लस करेंगे अपने इस अमाउंट में ताकि हमें टोटल जो ओड अमाउंट है वो पता चले। क्योंकि हमें उसी पे ही तो पता चलेगा कि हमें कितना पे करना है पर मंथ। इसको प्लस करने के लिए मैनुअल इस्तेमाल कर लेती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। आंसर क्या आया 31734। अब ये हमारे पास टोटल अमाउंट है जो हम पे बाकी कर्ज रहता है, इस अमाउंट पे हमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स जमा करना है। और पार्ट 3 में इन्होंने यही पूछा है कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच मंथली पेमेंट। ठीक है, तो ईच अमाउंट ऑफ ईच मंथली इंस्टॉलमेंट लिख ले या पेमेंट लिख ले कोई बात नहीं। अब ये जो हमारे पास अमाउंट है इसको हमें डिवाइड करना है 12 मंथ पे, क्योंकि 12 मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है उसके बेसिस पे ये अमाउंट 12 मंथ पे डिवाइड होगा। अच्छा, तो हम पहले लिखेंगे ये अमाउंट 31734 डिवाइडेड बाय 12 को, अगर मैन्युअली करे या अगर इस तरह से कर ले, मैं इस तरह से करके पहले
आंसर लिख लेती हूँ, फिर मैनुअली भी करके दिखाऊंगी। आंसर आया है RS 2644.5। मंथली जो आपने पेमेंट जो मैं अपने पेमेंट करनी है वो ये है। तो ये पार्ट 3 का आंसर हो गया, सबका आंसर हमें मिल गया था इसका। दोस्तों क्योंकि कैलकुलेशन का जो ये प्रोसेस है और ख़ासकर जो थ्योरी और रियल टाइम जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, अगर कैलकुलेशन मैं करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और अक्सर फ्रेंड्स कहते हैं कि लंबे वीडियोस नहीं बनाए, शॉर्ट कर दे। तो शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको किया और साथ ही वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन का आइडिया हो जाए और साथ ही साथ वीडियो एज़ मच एज़ पॉसिबल शॉर्ट हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलिए, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें जो मैं कराती हूँ या जो नेक्स्ट होता है उसको भी।